कोई डाउट है किसी को लास्ट क्लास के लिए? लास्ट क्लास का नोट सबने पढ़ा? यस सर। कोई डाउट है तो आप रेज हैंड कीजिए, पूछ लीजिए। नो सर, इसमें नहीं सर, असाइनमेंट में। असाइनमेंट में मैं आपको आंसर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आप आंसर्स एक बार मैच कर लेंगे, उसके बाद मैं फिर भी आपको क्वेश्चन समझा दूंगा अभी, ठीक है? यस सर। देखिए क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है? हम सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बर्फ बन जाता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक? अभी आप इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो मैंने यहाँ क्लियर क्लियर लिख रखा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इस टेम्परेचर रेंज को देखिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस 0 से 100 डिग्री पे है और फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से 212 पे है, ठीक है? तो यहाँ से हम एक कॉमन चीज निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हम जनरली मान के चलते हैं, इसलिए देखो कहीं कहीं रूम टेम्परेचर अधिक और कम भी होता है। जैसे जहाँ पे थोड़ा गर्म इलाका है तो वहाँ रूम टेम्परेचर आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो ठंडा इलाका है वो वहाँ रूम टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। जो एवरेज एस्टिमेटेड टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? देन कन्वर्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको निकालना था नेट से और उसके बाद कन्वर्ट करना था। देन चौथा क्वेश्चन है, कन्वर्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आपको इस रेंज में मिल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से पानी बॉयल होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, डायरेक्ट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, एल्यूमिनियम मेल्ट मेटल मेल्ट्स एट 660.37 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूला पे यहाँ पे 660.37 पुट करना था और डायरेक्टली केल्विन में कन्वर्ट करना था, ठीक है? तो जितने भी इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इससे ही यही 3 फॉर्मूलाज यूज करके कन्वर्ट करने हैं। अब सबसे बड़ी बात, लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन जो 10th नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कहने का मतलब क्या है कि आपको दो चीज दे रखा है, 17 डिग्री सेल्सियस एंड 58 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? दोनों के जो यूनिट है, दोनों की यूनिट अलग अलग है, लेकिन हमें बताना क्या है कि विच टेम्परेचर इज हॉटर, दोनों में से गर्म ज्यादा कौन होगा। अभी देखिए SI यूनिट जो है, जो मैंने आपको SI यूनिट पढ़ाया है, उस SI यूनिट में जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड लिया गया है वो केल्विन लिया गया है, ठीक? दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेकन, मतलब केल्विन का। हम जनरली डिफाइन करते हैं सेल्सियस में हर चीज को, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट केल्विन को मानता है, ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन तो हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, ये जो 17 डिग्री सेल्सियस है, इस 17 को कन्वर्ट करना था केल्विन में, उसके बाद इस 58 फ़ारेनहाइट को भी हमें कन्वर्ट करना था केल्विन में,
और तब हमें देखना था कि कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है, जो ज्यादा होगा हमारा वही आंसर होगा। ठीक, मैं जो नोट्स आज प्रोवाइड करूंगा उसमें ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप सिर्फ उसमें से आंसर्स मैच कर लेंगे, लेकिन बनाने के बाद आप अपना आंसर निकालोगे उसके बाद मैच करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर देख लिया फटाफट लिख दिए, ठीक, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए, ये फॉर्मूलाज सिर्फ याद करने के लिए है, क्योंकि इन फॉर्मूला के बेस्ड में आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट क्वेश्चंस को लेके? नो सर। किसी को भी? अंशु, विपुल, देखो मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, ठीक है। नोट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो फिर आगे आगे देखें, आगे चले। यस सर। ओके, वो यहाँ मैंने डार्क करके लिख रखा है, जो डार्क किए हुए हैं वो सब आंसर्स हैं, ठीक है। अभी चले आइए आप नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन में। देखो साइंटिफिक नोटेशंस, आप सबने केमिस्ट्री पढ़ा है, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हो, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा, प्रियांशु एनी क्वेश्चन? देखो अभी मैं समझा लेता हूँ, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप अपने कॉपी पे अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक, वरना भूल जाओगे, तो ये मुझे समझाने दीजिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो साइंटिफिक नोटेशंस क्या है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा एक चीज पढ़ते हैं कि 0.02 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक, या फिर 0.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इस टाइप के हम पढ़ते हैं। अभी इन सब को, अगर इन सब को हम लोग कोशिश करें कि वजन नापने का, तो हम माप नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 0.02 ग्राम हम किसी भी चीज में माप नहीं पाएंगे, ठीक। दीज आर कैलकुलेटेड वैल्यूज, ठीक है, और ये काफी छोटे वैल्यूज हैं। उसी तरीके से एवोगाड्रो नंबर, ये भी काफी बड़ा वैल्यूज है। तो केमिस्ट्री में जो हद से छोटे नंबर हो या हद से अधिक बड़े नंबर हो, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए या उन सबको पढ़ने के लिए एक शॉर्ट तरीका निकाला गया है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक। उसमें किया क्या जाता है कि जितने बड़े नंबर्स हैं या जितने छोटे नंबर्स हैं उनको हम रेज करते हैं 10 के पावर पे, ठीक। मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है n इंटू 10 टू द पावर n के रिस्पेक्ट में। अभी क्या है, इन केमिस्ट्री देयर आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर व्हिच आर टू बी कैलकुलेटेड। साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल numbers. It is written as the product of a number between 1 and 10 and a power of 10. ठीक, कहने का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है आपको एवोगाड्रो नंबर का, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर की 6022 और उसके बाद टोटल 20 जीरोज है, ठीक। अब इसको कन्वर्ट किया गया है स्मॉल नंबर में, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23,
In certain books, there is also 6.023 into 10 to the power 23. ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. The calculation is exact values. ठीक है, आपके numerical में आप दोनों यूज करेंगे, कोई बात नहीं, questions आपका वैसे ही बनेगा. एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल लाइक एन इंटू टेन टू दावर एन, लाइक कंसिडर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स 6022 इंटू 10 टू दावर 20 जीरो है ये. नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, सो दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 मॉलिक्यूल्स. मतलब ये 20 जीरो तो हमने हटा ही दिया, साथ में ये 3 डिजिट के पहले एक पॉइंट बिठा दिया गया है. ठीक, और वो पॉइंट के बदले यहाँ पे 10 टू द पावर 23 किया गया. सिमिलरली फॉर वेरी स्मॉल नंबर लाइक 0.00025 इट कैन बी रिटन एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक, जब छोटा नंबर को हम चेंज करेंगे तो हमारा पावर माइनस में जाएगा, और जब बड़े नंबर को हम चेंज करेंगे तो हमारा नंबर प्लस में जाएगा. ठीक है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है जिसे जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर्स को. क्या अभी किसका सवाल है पूछिए. प्रियांशु, हाँ बोलिए. स्क्रीन शेयर नहीं, वही बोल रहे थे. क्या चीज? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था. बाकी लोग को हो रहा है क्या? स्क्रीन सबको दिख रहा है? मतलब दिख रहा था उस टाइम? अभी नहीं, अभी तो मैंने हटा दिया. उस टाइम दिख रहा था? यस सर. नो सर, एक विपुल को नहीं दिख रहा, एक अंशु को नहीं दिख रहा, रूपम को भी नहीं दिख रहा. सर स्क्रीन दिखा सर, ये कंप्यूटर स्क्रीन दिखा सर, लेकिन आप जो दिखाएं मतलब वो नोट नोट नहीं दिख रहा क्या? कुछ नहीं दिखा सर. किसी को नहीं? नहीं सर, नहीं सर. अच्छा, पता नहीं, देखो जूम का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. ठीक है, मैं वापस से शेयर करता हूँ, वापस से समझाता हूँ. ठीक है, आपको देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर सबको दिख रहा है या दिखता है तो आप यस लिख के मुझे डालते चले जाइए, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे. यस सर. अगर सबको दिख रहा है तो आप यस लिखिए या हाँ बोलिए, और नहीं दिख रहा तो भी ना बोलिए, क्योंकि मैंने अभी आप सबको अनम्यूट कर रखा है. सर दिख रहा है? सबको दिख रहा है? प्रियांशु रेज हैंड किए हो? यस सर. ठीक है, मैं पढ़ाऊं फिर आगे? यस सर. चलो पढ़ाता हूँ. ठीक है, देखो आप अगल बगल से कुछ आवाज नहीं होने देंगे. ठीक है, क्योंकि मैंने आप सबको अनम्यूट कर रखा है. अगर स्क्रीन बीच में कहीं भी गायब होता है आपका तो मुझे उसी वक्त टोक देंगे. ठीक है, ताकि मैं मेरा गला ना सूखे और मैं बोलते ना चला जाऊं. ठीक है, देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ. साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन बड़े या छोटे नंबर्स को, केमिस्ट्री के बड़े या छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. जैसे आपका एवोगाड्रो नंबर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है इतनी. ठीक, अब इस वैल्यूज को हम हमेशा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमेशा इसी चीज को लिखना पड़े तो इसमें लिखने में हमें एक मिनट चला जाएगा. ठीक, क्योंकि बार बार 20 जीरो आपको कैलकुलेट करने होंगे और बार बार लिखने होंगे. तो इस बड़े नंबर को छोटा किया गया है ऐसा लिख के. ठीक, ऐसा कैसे करते हैं? इसको हम लिखते हैं n इंटू 10 टू द पावर n के रिस्पेक्ट में. ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या है इसका? तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स. ठीक है, ये एक छोटा तरीका है जिससे हम बड़े नंबर चाहे छोटे नंबर्स को लिखते हैं. अभी बड़ा नंबर और छोटा नंबर का मतलब क्या है कि आप केमिस्ट्री में देखो तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस चलते हैं उन रिएक्शंस में हम काफी छोटी वैल्यूज को लेते हैं. जैसे आपने अगर कभी रिएक्शन लिखा है, कभी क्या बहुत बार लिखे होगे आप केमिस्ट्री में, तो सपोज कीजिए Na प्लस Cl आप लिख रहे हो और उसके बाद प्रोडक्ट आप बना रहे हैं NaCl. ठीक, तो ऐसा नहीं होता कि हम सोडियम 1 kg ले ले और क्लोरीन 1 kg ले ले और हमने 2 kg NaCl बना दिया. ठीक, ये तरीका नहीं है. तो होता क्या है कि हम सोडियम के वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, उसके बेसिकली उसके मॉलिक्यूलर मास के अप्रोक्स. ठीक, उसका क्लोरीन लेंगे, वो भी लेंगे बहुत छोटी क्वांटिटी में, या ऐसा भी लिखते हैं कि 2 ग्राम ऑफ सोडियम 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ठीक, तब हमको NaCl मिलेगा. तो 2 ग्राम 1 ग्राम ये सब काफ़ी छोटी वैल्यूज है. ठीक, उसके अलावा
0.002 ग्राम, 0.0005 ग्राम, ठीक है। ये सारे वैल्यूज जो हम लेते हैं ये काफी छोटी वैल्यूज है और इन छोटी वैल्यूज को हम किसी तराजू पे तौल नहीं सकते, ठीक है। तो इनको इनको कन्वर्ट करने के लिए और इनको सही तरीके से पढ़ने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस आता है। साइंटिफिक नोटेशंस के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ठीक है। ये जो एडिशन मल्टीप्लीकेशन वगैरह है ये सबको आप सब हमेशा करते हैं कैलकुलेशंस में, मैथ्स में आपने हमेशा किया है, बस उसी चीज को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे या उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन्स इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये काफी बड़ा नंबर है, इसको मैं अगर बोलने जाऊं 6022 और उसके बाद 20 जीरो लगाओ तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस नंबर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वेरी स्मॉल नंबर में, दैट इज 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, और ये दिया था सबसे पहले एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो उसके नाम पे ये नंबर आया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। उसी तरीके से वेरी स्मॉल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है 0.00025, इसको लिखा जाता है 2.5 × 10⁻⁴। जब हम छोटे से छोटे नंबर को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो वो पावर माइनस में जाएगा, जब बड़े नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में वो पावर प्लस में जाएगा। अभी मैंने यहाँ तरीका दे रखा है आपको टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहला क्या है, आपको किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, तो क्रिएट ए नंबर बिटवीन 1 और 10, जो भी आपको नंबर दिया जाए, जैसे यहाँ देखो 6022 ये एक नंबर है स्टार्टिंग का, इसको क्या किया गया 1 से 10 तक के बीच में कन्वर्ट किया गया, मतलब 6.022 लिख दिया गया और बाकी का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस द डेसिमल मूव्ड टू डिटरमाइन द एक्सपोनेंट ऑफ 1, ठीक। हमने डेसिमल कितना बढ़ाया, 1, 2 और 3, मतलब हमने 3 डेसिमल के बाद हमने एक पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए हमारे पास 10³ आ जाएगा, ठीक। तो और बाकी ये 20 जीरो, दैट इज 10⁻², ठीक है। आप सब ने ये किया है तो आप जो करते आए हैं अभी तक वही करेंगे, ठीक। अब एग्जांपल क्या है, देखो सबसे पहला एग्जांपल 3346000, देन अगेन 000, टोटल हमारे पास 6 जीरो है और 4 डिजिट है, तो इन 4 डिजिट को कन्वर्ट किए 3.346 में और उसके बाद 10⁻⁶ होना चाहिए ये 6 जीरो के लिए, लेकिन 3 डिजिट से पहले हमने एक पॉइंट लगाया है, तो ये पॉइंट हमने जो है वो डाला है, तो इसके लिए हमें 10⁻⁶ भी देना होगा, तो 10⁻⁶ हमारा 10⁻⁹ में बदल गया। नेक्स्ट द डेसिमल मूव्ड 9 प्लेसेस बिटवीन 1 और 10⁻¹। ये जो डेसिमल है ये डेसिमल 9 आगे बढ़ाया है, इसलिए यहाँ 10⁻⁹ लिखा गया है। एड जीरोज एज नीडेड फॉर प्लेस होल्डर्स। देन सेकेंड आपका टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर किसी छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे 1.312 × 10⁻⁶ है हमारे पास, ठीक। तो 10⁻⁶ होने का मतलब है कि 6 डेसिमल ये आगे बढ़ेगा, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 और उसके बाद ये 3 जीरो आ गए, 1, 2 और 3, टोटल कितने गए 3 जीरो और 3 डिजिट, टोटल हमारे पास 10⁻⁶ हो गया। उसके बाद है आपके पास एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज, ये आपका तरीका हो गया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट के नाम पे। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज है अपेंडिक्स 4 और अपेंडिक्स 5 आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, अपेंडिक्स 4 अपेंडिक्स 5 वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें आपको कुछ कन्वर्जन मिलेंगे, जैसे लेंथ का कन्वर्जन हो, मास का कन्वर्जन हो, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हर अलग अलग सिस्टम्स में केजी मास को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो सारे जो भी कन्वर्जन है वो आपको इस अपेंडिक्स 4 में मिलेगा। और जो आपका अपेंडिक्स 5 है, ये अपेंडिक्स 5 आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यूज देगा, जैसे गैस कांस्टेंट, आर का वैल्यू, ठीक है। ये बहुत सारे वैल्यूज आपको इस अपेंडिक्स में मिलेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, 11th और 12th दोनों में पढ़ने के लिए। तो ये अपेंडिक्स आपको पूरी तरीके से याद नहीं करना, क्योंकि अचानक से याद होगा नहीं। तो आपको डेली इसको कम से कम एक बार रीडिंग करना है और लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेज ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। फेज ट्रांजिशन कहने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से प्लाज्मा में जाना, इनको हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट बदल जाता है इस वाटर का। बेसिकली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें ये तीनों दिखाते हैं, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन जो है बेसिकली किसी भी एलिमेंट का सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट दिखाता है। अब इसमें कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं किस किस फेज को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। क्या हो विपुल, नहीं दिख रहा क्या फिर से विपुल? स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा। फिर रेज हैंड क्यों कर रहे हो? मुझे ये समझा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका डाउट होगा वो क्लियर कर, आप क्वेश्चन लिखते चले जाइए। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आता है आप अपने कॉपी में फटाक से लिख लीजिए, ठीक है। देखो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग प्रोसेस है। अगर हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे आप बर्फ ले लो, अगर उसमें गर्म करता हूँ या उसे हवा में छोड़ दिया जाए, खुले हवा में, तो वो पिघलना चालू हो जाए, दैट इज मेल्टिंग प्रोसेस। अगर लिक्विड को फ्रीज किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। देन लिक्विड से गैस में जाने के लिए हमें फिर से लिक्विड को हीट करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा, और गैस से लिक्विड में आने के लिए मुझे गैस को ठंडा करना पड़ेगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है वो। देन सॉलिड से गैस में जाने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वो भी हीटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं कि वो लिक्विड में जाने के बजाय वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में। देन गैस को वापस अगर ठंडा किया जाए, और इतनी तेजी से ठंडा किया जाए कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, दैट इज नोन एज डिपोजिशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट है आपका गैस से प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, गैस को और हीट करना होता है। उस हीटिंग प्रोसेस के वजह से क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन प्रोसेस। और वापस अगर प्लाज्मा को हम सारे मॉलिक्यूल्स को हम रिकम्बाइन करना चालू कर दें, तो वो ठंडा होने के बाद क्या होता है, सीधा गैस में बदलना चालू हो जाता है। देन इसके कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखा के हैं यहाँ पे, डेफिनेशंस मतलब या इनके प्रोसेस कह लीजिए आप। मेल्टिंग, द ट्रांजिशन फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड फेज। देन फ्रीजिंग, द ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज। वेपराइजेशन, the transition from the liquid phase to the gas phase. Condensation, the transition from the gas phase to the liquid phase. Sublimation, the transition from the solid phase to the gas phase. Deposition, the transition from the gas phase to the solid phase. Next है आपका ionization. ये दो term जो है आपके लिए थोड़ा नया है। In chemistry and physics, any process by which electrically neutral atoms or molecules are converted to electrically charged atoms or molecules, that is ions. Ionization is one of the principal ways that radiation such as charged particles and X-rays transfers its energy to matter. अभी ionization में क्या होता है कि किसी भी gaseous molecules को या atoms को हम क्या करते हैं, रेडिएशन से पास कराते हैं या रेडिएशन उससे पास कराते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो रेडिएशन हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, गामा रेज हो गया या बीटा रेज हो गया, ये सब हाई एनर्जी वाले रेडिएशन होते हैं।
ठीक है, हाई एनर्जी वाले रेडिएशन कहने का मतलब है कि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो ये करते क्या है कि जब इन्हें पास किया जाता है, चलो ठीक है देखते हैं, जब इन्हें पास किया जाता है गैसेस मॉलिक्यूल से, होता क्या कि ये अपने एनर्जी से उन गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज कर लेते हैं। ठीक, तो एनर्जाइज करने का वो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स पहले से एनर्जी काफी होती है और इन एक्स रेज के वजह से उनके पास एनर्जी और ज्यादा चली जाती है। Then recombination process, it is just opposite to ionization process. Recombination process में क्या है कि जो ionization के वजह से जो gaseous molecules एक दूसरे से दूर हो गए थे, इस process में वही molecules, वही electrons या molecules जो होते हैं, atoms जो होते हैं, positive वाले और negative वाले अपनी energy को release करते हैं और उसके बाद सब आपस में आके वापस से gas का phase ले लेता है। इसको हम कहते हैं recombination process. हाँ, क्या साउंड नहीं आ रहा क्या किसी को? आ रहा है बीच में? कौन लिख रहा है साउंड? हाँ सर, आ रहा है सर, बीच में सर अटक अटक के आ रहा था। अच्छा, देखो रिपीट हो रहा था सर। हाँ, रिपीटिंग आवाज मुझे भी सुनाई दे रहा था, मेरा आवाज मुझे ही खुद सुनाई दे रहा था। ठीक है, एक्चुअली जूम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी, जूम का लोड वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया पूरे इंडिया में, इसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या नोट्स पढ़ने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। एक चीज और, साइंटिफिक नोटेशंस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, वो बना के फिर रखना है और मैं जो उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा वो आंसर आपको खुद मैच करना है। ठीक है, अभी so, आपको कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। क्या चीज? आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन में क्या है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स, देखो हम सबको पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ठीक, तभी तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, नहीं तो सॉलिड और लिक्विड की तरह आपस में नजदीक आ जाते हैं। अगर गैस ठंडा होगा, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए वाटर का, अगर वाटर स्टीम बना हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टीम बहुत गर्म होता है। अगर उसी स्टीम को हम ठंडा करने लग जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड मिलने का मतलब है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है जो इतनी दूरी पे थे, अब वो इतनी नजदीक पे आ गए हैं, या और कहे तो इतनी नजदीक पे आ गए हैं। ठीक, तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक इसका उल्टा होता है। उस कंडीशन में क्या है कि गैसेस को हम इतना हीट कर देते हैं, उस गैस को हीट करने की वजह से क्या होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो इतना एनर्जी ले लेगा और उस एनर्जी की वजह से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स पहले इतना था दूर, अब वो और इतनी दूरी पे चले जाएंगे। ठीक, और इसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस। सर इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है? किसमें? इसमें आयनाइजेशन में चेंजेस मतलब किस टाइप का चेंज? और इस स्टेट को आप कह सकते हैं कि ये आपका सन का स्टेट, सन में जो रिएक्शन हो रहा है वो वाला स्टेट आप कह सकते हो। इस कंडीशन में जो गैसेस है वो हाईली इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेट से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, वो ज्यादा बहुत ज्यादा चार्जेबल होते हैं। ठीक है, उसके सामने आप अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करो या मैग्नेटिक फील्ड पास करो तो दे गेट्स डिफ्लेक्टेड। यस, ठीक है। हाँ अंशु, हाँ अंशु बोलिए। यस सर। अगर जिस तरह ये सब चेंज होता है सर, उसी तरह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कोई चेंज नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है, उसका भी कुछ कुछ कंडीशंस है वो भी चेंज होते हैं। देखो हर किसी देखो जो आप क्या बोलते हैं, जो भी आप स्टेट चेंज करना चाहो किसी का भी स्टेट, तो बेसिकली उसका हीटिंग प्रोसेस ही होता है।
ठीक है, और अगर उसको मतलब हायर स्टेट में जाना है तो हीटिंग प्रोसेस होता है, और अगर लोअर स्टेट में जाना है तो उसको हम कूलिंग प्रोसेस ही कहते हैं बेसिकली। आप एक चीज ध्यान लगे, देखो मैं आपको वापस से वो ग्राफ ड्रॉइंग शेयर कर रहा हूँ, फिर एक चीज दिखाता हूँ। देखो आप इस ड्राइंग में देखिए कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस, और गैस से हम प्लाज्मा में जा रहे हैं, ठीक है। तो हर प्रोसेस में क्या है कि हम जब ये हायर स्टेट में जा रहे हैं, ऐसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा में, तो सब में क्या एक कॉमन प्रोसेस है कि हर किसी में, हर एक से दूसरे में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स दूर जाने का प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तभी तो दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि दोनों को एनर्जी काफी ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो वापस से उसका जो उल्टा प्रोसेस होगा, जब हम इसको ठंडा करेंगे गैस को, तो होगा क्या कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो दूर में थे वो धीरे धीरे नजदीक आना चालू हो जाता है। ये जो प्रोसेस है हीटिंग और कूलिंग का, ये प्रोसेस आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप प्लाज्मा से गैस में चले आइए या गैस से प्लाज्मा में चले आइए, चाहे लिक्विड से गैस में जाइए चाहे गैस से लिक्विड में जाइए, हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो हीट करके उसके एटम्स को दूर भगा रहे हैं और कूल करके उसके एटम्स को नजदीक ला रहे हैं। सर सॉलिड को कूल करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ले आया जाए, फिर इसका प्रोसेस को क्या कहें? देखो सॉलिड्स को कूल करके हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, क्योंकि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो बेसिकली एक फेज नहीं है, दैट इज टू डिफरेंट फेजेस, ठीक है। और टू डिफरेंट फेजेस के लिए वो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं प्रैक्टिकली, और ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है हमारे घर पे। जैसे आपको और भी मैंने बताया था कि रिडबर्ग पोलरॉन्स होता है, देन ये कौन है अभी आ रहा है क्लास के लिए, रिडबर्ग पोलरॉन्स होता है, देन फर्मियोनिक कंडेंसेट मैंने आपको बताया था, सेम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं ये आपको कूलिंग हीटिंग ये दोनों एक साथ करना होता, तब जाके हमको ये डिफरेंट स्टेट्स मिलते हैं, और डिफरेंट कंडीशंस, इनके लिए कंडीशंस बहुत अलग होते हैं। नॉर्मल कंडीशन तो ये हमें सॉलिड से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, और किसी का? और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या नोट्स पढ़ने के बाद पूछेंगे। ये कौन है? 93BE7374, नाम क्या है आपका? जो अभी ज्वाइन हुए उनका नाम क्या है? खुशबू, हाँ बोलिए खुशबू, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, खुशबू क्या क्वेश्चन है आपका? आपने रेज हैंड किया था। फेज एक्चुअली हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को, ठीक है। फेज कहने का मतलब है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, और कुछ नहीं। और किसी का? चलो ठीक है, आप एक बार नोट्स, आप नोट्स पढ़ लीजिए, तब तक मैं उसका फिर मैं आपका असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, और वो असाइनमेंट टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स को आप देखोगे, ढंग से बनाओगे, वेरी इजी और इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। ओके ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।